पूर्व सेवा अवधि के गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए। मैं हमारी जो पूर्व सेवा थी उसको शून्य किया गया सविलियन के बाद, जिसके कारण हम लोगों को पदोन्नति, क्रमोन्नति और पेंशन ये सारी चीज़ों में हमारे पूर्व सेवा का गणना नहीं किया गया है। देश का सबला देवा था सहू मल्ला दे दे। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज 72 और मैं हूँ सौरभ नाई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रायपुर के तूता धरना स्थल पर न्यूज 72 की टीम पहुंची है, जहां पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा अपने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आई है। यहां के जो पदाधिकारी उनसे बात करते हैं। सर पहले परिचय बता देते, क्या नाम? वीरेंद्र दुबे, प्रदेश संचालक छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा। पूर्व सेवा अवधि के गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए और जो पूर्ण पेंशन जो प्रदेश में लागू है 33 वर्ष उसको 20 वर्ष किया जाए। इस मांग को लेकर प्रदेश के 5 विश्वसनीय और बड़े संगठनों ने छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है और आज उसी के बैनर तले राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन और रैली निकाले हैं। रैली के पश्चात शासन को ज्ञापन सौंपे हैं और यदि सरकार 30 जुलाई हमारी मांगों की अनुमति देगी, उपेक्षा करेगी, तो 31 जुलाई से पूरे प्रदेश में शिक्षण आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। हर विकास खंड में धरना प्रदर्शन होगा और पूरे प्रदेश में शालाएं ठप रहेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। कितनी की संख्या में आज आप लोग यहां पर पहुंचे? लगभग 50,000 की संख्या में राजधानी में हमने धरना प्रदर्शन और रैली निकाला। मौसम खराब होने के बाद 50,000 की संख्या में लोग यहां पहुंचे, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदेश के लोग कितने आक्रोशित हैं और यह आक्रोश जो है 31 जुलाई से पूरे प्रदेश के हर विकासखंड में दिखेगा। मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या अपील रहेगी? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। 4.5 साल तक हमने सिर्फ ज्ञापन दिया, मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों से भेंट किया, लेकिन सरकार जब लगातार हमारी इन मांगों की अनदेखी की तो आज हम मजबूर होकर हम जो है इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और हम वही मांग रहे हैं जो जन घोषणा पत्र में सरकार ने उल्लेख किया था जब वो विपक्ष में थी, जन घोषणा पत्र में बनाया था। और मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मीडिया के हमारे कर्मचारी भाई जो हमको सहयोग कर रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ और आप हमारे लिए आगे भी हमारे संघर्ष में हमारे साथ बने रहें। हमारी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख के आसपास है। नहीं सर, ऐसे शिक्षक संवर्ग से हैं तो उसमें हमारी जो पूर्व सेवा थी उसको शून्य किया गया सविलियन के बाद, जिसके कारण हम लोगों को पदोन्नति, क्रमोन्नति और पेंशन ये सारी चीज़ों में हमारे पूर्व सेवा का गणना नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। कई हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो रिटायरमेंट के कगार पर पहुंच गए हैं और उनको पूर्व सेवा की का लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए वो लोग बिना पेंशन लिए रिटायर हो जाएंगे। तो लेकर रणनीति आप लोग की क्या रहे? आगे सर अनिश्चितकालीन आंदोलन ही होगा। भूपेश काका सबला देवा था सहू मल्ला दे दे, और पेंशन के जो मांग है हमार प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करना वो हम अल्लाह पूरा कर दे। अपन देखा था शिक्षक संघर्ष मोर्चा अपन मांग पर आज एक दिवसीय धरना पर बैठे और रोमन के यही कहना है 31 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना पूरा हुई अगर सरकार होकर मांगला पूरा नहीं करते। तो आप मन देखा था न्यूज 72, मैं हूँ सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।